तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरशाद अहमद। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, डिवाइस को रीसेट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना और उसमें छोटी मोटी चेंजेस को अगर चेंज कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। उन सेटिंग्स में से एक छोटी सी सेटिंग ये भी है जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि राउटर को लॉगिन करके उसमें एक छोटी सी सेटिंग को चेंज कर देने के बाद हमारी स्पीड पहले क्या थी और बाद में हमारी स्पीड क्या हो गई। ठीक है दोस्तों, उस सेटिंग का नाम है चैनल। अगर हम वाईफाई को लॉगिन करके, अपने राउटर को लॉगिन करके उसमें चैनल की सेटिंग को चेंज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड में थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब स्पीड आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। रीजन क्या है मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी इस वीडियो में। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा राउटर जो हमारे घरों में लगा होता है या हमारे ऑफिस में लगा होता है या हमारे कॉलेज में लगा होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे होता है। चैनल जो सेट होता है उसका ऑटो पे सेट होता है। अगर हम उसका चैनल 11 कर दे, 12 कर दे, 13 कर दे, 14 कर दे, 15 कर दे, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो हर कहीं अधिकतर जहां पे लगा होता है तो बाय डिफॉल्ट उस पे ऑटो पे लगा होता है। तो होता ये है कि ऑटो पे लगे होने से हमारे आसपास के वातावरण में, आसपास के एटमॉस्फेयर में उसका जो ट्रैफिक है ज्यादा बिजी होता है। वो एक ऐसा ट्रैफिक होता है, सिग्नल्स का एक, वाईफाई का एक ऐसा ट्रैफिक होता है जो हमको फिजिकली नहीं दिखता है। तो ऐसे में अगर अपने वाईफाई को लॉगिन करके, राउटर को लॉगिन करके हम उसका चैनल को अगर चेंज कर दें तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्पीड वाईफाई की बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं किस तरीके से चैनल को चेंज करके, राउटर को लॉगिन करके अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं हूं इरशाद। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और एकदम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की टेक्निकल वीडियो छोटी छोटी पर डे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पे गूगल क्रोम खोल लिया है, गूगल क्रोम खोल लिया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं अभी हमारे वाईफाई की स्पीड कितनी आ रही है। तो गूगल क्रोम के सबसे ऊपर वाले सर्च बार में डाल दिया हमने स्पीड टेस्ट। उसके बाद कुछ इस तरीके का विंडो खुल गया, अब इस पर हम गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार स्पीड को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्पीड का कांटा चल रहा है। तो इस समय स्पीड हमें शो कर रही है 77 Mbps। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अभी स्पीड हमारा 77 Mbps है। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम के सबसे ऊपर वाले सर्च बार में डालेंगे राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.1.1। राउटर का आईपी एड्रेस डालने के बाद यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डाल के हम राउटर को लॉगिन कर लेंगे। जो भी हमारे राउटर का लॉगिन पासवर्ड होगा वो डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड आएगा, हम कैप्चा कोड को डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कर लेंगे लॉगिन। उसके बाद क्लिक करेंगे वेब और पीसी पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नेटवर्क पे। तो जो भी चेंजेस करना होगा हम फ्रिक्वेंसी पे चेंज करेंगे, 2.4G या 5G। हम 5G से 5G की सेटिंग में चेंजेस करेंगे तो 5G पे क्लिक करेंगे। तो 5G पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ऑटो पे लगा हुआ था, हमने इसको चेंज कर दिया, 100 पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, चैनल नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा 5G सेटिंग में, चैनल नंबर 100 पर सेलेक्ट करके हम अप्लाई चेंज पे क्लिक कर देंगे। देखिए ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ऑटो DFS पे लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। हम 100 पर सेलेक्ट करके, चैनल नंबर 100 पर सेलेक्ट करके अप्लाई चेंज करेंगे। तो जैसे अप्लाई चेंज करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वाईफाई है डिसकनेक्ट हो जाएगा। चलिए दोबारा से अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद गूगल क्रोम खोलते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से स्पीड को चेक करते हैं, हम चैनल चेंज करने के बाद हमको स्पीड अब क्या मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप चैनल चेंज कर लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए, जैसे ही हमने चैनल चेंज किया और अभी ये स्पीड का कांटा चल रहा है,
तो चैनल चेंज करने के बाद अभी स्पीड का कांटा थोड़ा सा हमको बढ़ता नज़र आ रहा है, 103, 101, 102। तो चैनल चेंज करने के बाद टोटली हमको स्पीड मिल गई 103। ठीक है दोस्तों,